अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आप इन्वेस्टिंग में कभी गलती नहीं करेंगे। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर ट्रेडिंग भी करते हो, तो इन्वेस्टिंग में आप कभी गलती नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और पूरा समझ लेते हैं। आजकल क्या हो गया है कि मार्केट में YouTube पर, Instagram पर, Facebook पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आ चुके हैं और वो आपको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसे एड्स भी आपने देखे होंगे TV पर, मोबाइल पर, या फिर आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर आपको ऐसे एड्स दिखाई देते होंगे कि इस स्टॉक में पैसे लगा दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद 20 गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। ऐसा सब आपने कहीं ना कहीं से तो कभी ना कभी सुना होगा। चलो मैं आज आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। क्या सच में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हम एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं या फिर लाइफ में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन ला सकते हैं या नहीं? और हाँ, ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके बाद आप इन्वेस्ट करो, मत करो, कम करो, ज़्यादा करो, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, आपका अपना डिसीजन होगा। मैं आपके साथ बस मेरा एक्सपीरियंस और मेरी थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है इससे आपका कोई डिसीजन जो है वो गलत होने से बच जाए। अब हम एक काम करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपये है और आपके किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको कहा या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको कहा कि इन पैसों को इन्वेस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में। वैसे स्टॉक मार्केट के अलावा और कई सारे रास्ते हैं जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपको वो नहीं बताएंगे कि उनमें इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करोगे तभी इनका फ़ायदा होता है। कैसे? एक तो रेफरल लिंक से। सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि इस लिंक से ये ब्रोकर का अकाउंट बना लो और फिर ट्रेड करो, तो यहाँ से उस ब्रोकर की तरफ से उनको कमीशन मिलेगा। और दूसरी बात, आप जो भी ट्रेड करेंगे तो आपका जितना भी ब्रोकरेज बनेगा उसमें से कुछ परसेंट उनको मिलते हैं, तो यानी कि उनके लिंक से उस ब्रोकर अकाउंट को डाउनलोड करने का भी उनको कमीशन मिलता है और आप जो ट्रेड करते हैं उनमें से कुछ कमीशन भी उनको मिलता है। सारे ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग 99.99% लोग यही कर रहे हैं और यही से उनकी कमाई होती है। तो आपने 5 लाख रुपए डाल दिए और आपके अभी 5 लाख कम हो या फिर ज़्यादा हो, ये फ़र्क आपको पड़ेगा, उनको उनका कमीशन मिल गया, तो यहाँ पर बेवकूफ़ कौन बना? आप बने। और अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं खुद रिसर्च करता हूँ, कंपनी का CEO कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट देखता हूँ, कंपनी का प्रॉफिट देखता हूँ, फिर अपने 5 लाख उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आप कितनी भी रिसर्च करो, जान लगा दो अपनी, बैलेंस शीट पढ़ लो, प्रॉफिट स्ट्रक्चर देख लो, सब कुछ रिसर्च कर लो आप, फिर भी आप इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकते कि वो कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, तो कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा ही। क्या आप उन 5 लाख रुपए को 2 लाख या फिर 1 लाख होता हुआ देख सकते हैं? और अगर चलो मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर लिया, 99% प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ से थी और वो 5 लाख के 10 गुना हो गए, 50 लाख हो गए, मान लो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। और अगर ऐसा मान भी लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उसी सेक्टर में आपने जो चूज़ की वही कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी और आगे बढ़ेंगी, तो आपको 20 साल में अगर वो 10 गुना देते हैं तो आपके 5 लाख हो गए 50 लाख, लेकिन आपने खो दिए 20 साल, और 20 साल में आप उन 5 लाख से बहुत कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना था, आपने कर दिए और वो अभी 20 साल बाद 50 लाख हो गए, तो वो पैसे आपके काम तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर आप 20, 30, 35 साल के हैं तो आपके वो कुछ भी काम नहीं आने वाले, तो वो काम आएंगे अपने बच्चों को, आपके बच्चों को काम आ सकते हैं वो पैसे। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो रहे और आपको अपनी इस लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो इन्वेस्ट करने से पहले इस पॉइंट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और हमें फ़िलहाल अपने लिए पैसा चाहिए तो ये प्लान बिल्कुल फेल है। इससे अच्छा तो आप कहीं 50,000 में चाय का ठेला लगाएंगे और अच्छी जगह पे लगाएंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे 20 साल में, और वो पैसे आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ महीनों से। तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब है, अगर आप अच्छे से रह रहे हो, आपके पास अपना खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, आप अच्छी इनकम कर लेते हैं और कुछ पैसे बचा भी लेते हैं, और उन बचे हुए पैसों में से भी कुछ इमरजेंसी फंड आपने जमा कर रखा है जिसमें आप FD कर सकते हैं या फिर गोल्ड खरीद सकते हैं, और वो करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप उनको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको खुद रिसर्च करके उस कंपनी पे, जो भी अपने लेवल पर होगी उतना रिसर्च करके उस कंपनी पर थोड़ा थोड़ा
लगाना है पैसा, और अलग अलग कंपनी में लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख रुपये बचा लिए एक साल में और पूरे 2 लाख आपने एक ही कंपनी में डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। उसका जो बेस्ट प्रोसेस है वो ये है कि आप डिवाइडेड बाय 10 कीजिए। अगर आप 2 लाख लगाना चाहते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, अब जो भी अमाउंट आएगा उसको 10 कंपनी में अलग अलग लगा दीजिए, और ये आपको खुद करना है, ना कि किसी की राय लेनी है। और इसमें ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि पैसे बढ़ेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर भी आप वॉरेन बफेट या फिर झुनझुनवाला नहीं बनेंगे। वो बनने के लिए क्या करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट का एग्जांपल दे, तो उससे बोलना पहले उनके 5 या फिर 10% तो बन जा कम से कम, फिर उनका एग्जांपल देना। सीखना सबसे है, लेकिन किसी के कहने पर इन्वेस्ट करना, ब्रोकर अकाउंट बनाना और उसमें पैसे डालना, और उसने बोला कि इस स्टॉक पे लगाओ और उस स्टॉक पे लगाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो, हम सभी इन्वेस्ट अलग अलग वजह से करते हैं। जैसे ही कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इन्वेस्ट कर दिया, या फिर बाद में काम आएंगे बेटी की शादी में इसलिए इन्वेस्ट कर दिया, या फिर अमीर बनना है तो उसके लिए मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो लोग इंजीनियर बनके 30-40-50 हज़ार रुपये कमाने के अलावा सीधा इसमें इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाते। तो अगर आपको एक बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने होना चाहिए। उसी टाइम में आपको रिसर्च करना है, उसी टाइम में आपको सब चीज़ें देखनी है, न्यूज़ देखनी है, और आपको ये करना है 5 से 6 सालों तक, तब जाकर आप उसमें PhD करोगे और आप उसमें कुछ बन पाओगे। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे, क्योंकि 1 से 2% लोग ही यहाँ पर सक्सेस हो पाते हैं। तो फिर से आपके मन में एक सवाल आया होगा अभी कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो कैसे करें। तो सबसे पहले इस चीज़ की जांच करो कि आपके पास समय कितना है और पैसा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमीर बनने के लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए नहीं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताता हूँ आपको, ये मेरा कोट भी है कि पैसा कमाना और अमीर बनना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि पैसा तो समोसे बेचने वाला भी कमाता है लेकिन वो अमीर नहीं बन पाता कभी, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको अलग रखो। तो यहाँ पे आपको अगर आप पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये होती है आपको और अमीर करने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो एक केस में मान लेते हैं आपके पास 5-10-15 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप जो इनकम कमा रहे हैं, आपकी जो सैलरी आ रही है या फिर आप बिज़नेस में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उतना ही है जितना कि आपका खर्चा है हर महीने का, और इसके अलावा आपकी कोई सेविंग नहीं है, बस आपके पास 5-10-15 लाख रुपये पड़े हुए हैं और आपकी पूरी इनकम खर्च हो जा रही है हर महीने। तो इस केस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसे तो आप और गरीब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उन पैसों का इस्तेमाल करके आपकी आय बढ़ानी है, आपकी इनकम जो है उसे और बढ़ाना है। और अगर आप एक नई इनकम सोर्स शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस इनकम में से 50% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप बाकी जो कमा रहे हैं वो सब खर्च हो रहा है, तो आप इन 15 लाख में से 2-3 लाख का इस्तेमाल करके और एक इनकम स्ट्रीम चालू कर सकते हैं, इनकम सोर्स चालू कर सकते हैं, जिसमें से अगर आपका वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको मान लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये भी महीना मिला, तो आप उसमें से 50% अपने पास रख के, और उसमें से 50% यानी कि मान लेते हैं आपने 30 हज़ार रुपये पर मंथ प्रॉफिट कमा लिया इस दूसरे इनकम स्ट्रीम से, जो जिससे आपका खर्चा चल रहा है वो तो आपका चल रहा है, लेकिन आपने दूसरा सोर्स ओपन किया और उसमें से 2-3 लाख रुपये कमा लिए, 2-3 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 30 हज़ार रुपये 20-40 हज़ार रुपये आपने महीना कमा लिया। तो मान लेते हैं आपने 30 हज़ार कमाए, तो 30 हज़ार में से आप 15 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में खुद रिसर्च करके। तो इस तरीके से आप उस स्टॉक को समझ के, उस कंपनी के बारे में जान के, धीरे धीरे हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 50 हज़ार 1 लाख रुपये पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपये पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन जाऊँगा, तो ये आपकी बस सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आप 10 लाख का कोर्स खरीद लो, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपका एक खानदानी बिजनेस है, उसमें से पैसा आ रहा है, बिजनेस पूरा सेट है, आपके खर्चे भी निकल जा रहे हैं और कुछ पैसे बच भी जा रहे हैं, और आपने इमरजेंसी फंड भी जमा कर लिया है, और तो खानदानी बिजनेस है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सेट होगा।
तो अब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उनको आप धीरे धीरे खुद से रिसर्च करिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा बिजनेस सेट है तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से धीरे धीरे खुद रिसर्च करके समझ के इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर ऐसे करते करते आपके समझ में ये गेम अगर आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो आप इसमें और ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसी ने करनी चाहिए जिसके पास पैसा ठीक ठाक है और ठीक ठाक आ रहा है, उसको नहीं जिसके महीने के खर्चे के वादे हैं उसको इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, आप अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास खर्चा निकाल कर इमरजेंसी फंड को साइड में रख कर अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। या फिर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा कमा कर अच्छा सेविंग कर लेते हैं, पैसा अच्छा बना लेते हैं और कुछ बचा भी लेते हैं, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये खुद करना है, खुद रिसर्च करना है, ना कि किसी के कॉल लेने हैं और ना ही किसी के कहने पर आपको इन्वेस्ट करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट में तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि स्टॉक को कैसे चुने, स्टॉक का कौन सी चीज़ कैसे देखी जाती है, तो इसमें अभी मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो फिलहाल ये तीन पॉइंट हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कभी भी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने भले ही उस कंपनी का CEO आपका भाई हो, फिर भी आपने पूरे पैसे उसमें नहीं लगाने हैं। दूसरा रूल ये है कि आपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही पैसा लगाना है। जैसे कि आपके पास 5 लाख पड़े हुए हैं और आपने पूरे 5 लाख लगा दिए, अब इमरजेंसी में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कि आपके लिए है, ना कि उसमें से आप निकालेंगे। उसमें से आप निकालेंगे तो उस टाइम पे जो प्राइस होंगी उसी प्राइस पे आपको सेल करना पड़ेगा। मान लेते हैं ABC कोई भी कंपनी मान लेते हैं एक, तो अगर उसका स्टॉक आपने 500 रुपये में ख़रीदा था और आपको जब ज़रूरत पड़ी तब उसकी प्राइस 300 चल रही है, तो अब आपको उसको अगर आपने 300 में बेचा तो आपका 200 पर शेयर लॉस हो गया। तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है या फिर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके इमरजेंसी में काम नहीं आने वाला, यही सोच के आपको इन्वेस्ट करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो लॉकडाउन में जो हुआ था, सभी जो लोग थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग थे उनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, तो शेयर लगभग 50-40% 60% तक डाउन हो गए थे। अगर उस टाइम पे वो बेचते तो सोच लो जिसने 10 करोड़ लगाए उसको सिर्फ 4 करोड़ मिलते। तो ऐसा भी होता है, इसलिए आपको कभी भी उस पैसे पे डिपेंड नहीं रहना है अपने खर्चे के लिए या फिर अपने इमरजेंसी के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्टमेंट में अगर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। तो पॉइंट नंबर 3 यही है कि आपका जो पैसा है वो बनेगा लेकिन 5 साल 10 साल 20 साल उसमें लग सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने में 6 महीने में रिटर्न कमा लूँगा, तो ये कुछ हद तक आप कर लेंगे लेकिन ओवरऑल आपका एंड में लॉस ही होगा, क्योंकि इतने कम समय में आपको हर एक कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा। तो बस इतना ही कहना था मुझे। मैं यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देख रहा हूँ, बड़े बड़े लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं है, तो आप इन चक्कर में मत पड़िए और किसी का सुन के तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। बस यही कहना था मुझे इस वीडियो में। जब तक आपको उस कंपनी पर उस स्टॉक पर पूरा भरोसा नहीं होता कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, अब मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, ये आगे जाके ग्रो करेंगी, ऐसा आपको लगेगा। अगर नहीं लगता है ऐसा तो आपने उसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डिवाइड करके उस इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आलसी लोगों को अट्रैक्ट जरूर करता है लेकिन ये आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं कॉपी पेस्ट वाले। इसका सुन लिया, इस स्टॉक में पैसा लगा दिया, उस कंपनी में पैसा लगा दिया, ये सबसे ज़्यादा नंबर इनका है यहाँ पर बर्बाद होने में। तो दोस्तों, ये टॉपिक फ़िलहाल बहुत चल रहा है और ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि अगर मैं आपको इसमें और जानकारी दूँ तो यहाँ पे 2-3 दिन भी कम पड़ सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरा इम्पोर्टेंट सिर्फ टॉपिक लिया है कि आप कहीं फंस ना जाओ, आप कहीं अटक ना जाओ इन चीज़ों में,
तो इसमें आपको डरना भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में ना करूँ या फिर करूँ। जो मैंने कंडीशन बताई, अगर आप उस कंडीशन में बैठते हैं तो आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको इस बारे में कोई सवाल पूछना है, आपका कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अमीर बनना है तो आप इस वीडियो को देखकर सही रास्ते पर लग सकते हो।